भिंडी अंडा की सब्जी एक नए स्वाद के साथ चौंक गए ना, बहुत ही लाजवाब। इस तरह से बनाकर खा लेंगे तो रोज खाने का मन करेगा और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वेलकम टू माय चैनल सकीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत डिलीशियस यूनिक रेसिपी अंडा भिंडी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। अंडा भिंडी बनाने के लिए दो अंडे लिए हैं, 250 ग्राम भिंडी लिया है, भिंडी को धुलकर अच्छे से साफ कर लिया है, छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इंडक्शन ऑन कर लिया, पैन को रखा गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो गया है। 3 चम्मच तेल ऐड करते हैं। तेल गर्म हो गया, 1 पिंच हींग ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच खड़ा जीरा ऐड करते हैं। जीरे को चटकने देते हैं। जीरा चटकने लगा है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करते हैं। हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करते हैं, हल्का फ्राई कर लेते हैं। 1/2 मीडियम आँच पे हल्का सॉफ्ट कर लेते हैं प्याज। प्याज सॉफ्ट हो गई है, मसाले ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। सभी को मिक्स कर लेते हैं, टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, भिंडी ऐड करते हैं। भिंडी को मसालों में मिक्स कर लेते हैं। भिंडी को ढककर 2 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेते हैं। खोलकर चेक कर लेते हैं, भिंडी सॉफ्ट हो गई है। 3 मिनट तक खोलकर भून लेते हैं। भिंडी को हम पूरी तरीके से नहीं भूनेंगे, भिंडी को अंडे के साथ भी भूनना है। भिंडी में अंडा ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अंडे को। ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, ये बहुत रिच प्रोटीन वाली सब्ज़ी है, ये बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। भिंडी की क्रंचनेस, अंडे की सॉफ्टनेस दोनों मिलकर स्वाद को दोगुना कर देते हैं। मीडियम आंच पर 2 मिनट तक भून लेते हैं अंडे के साथ भिंडी को। अंडा भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है, इंडक्शन बंद कर देते हैं। अंडा भिंडी की सब्ज़ी को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट अंडा भिंडी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं और खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सकीना खान को इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।